अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज बनने जा रहा है रमज़ान स्पेशल सीरीज़ बिफोर रमज़ान पार्ट 11 में पोटैटो फ्राई सैंडविचेस और बनने जा रहा है एग वेज रोल। जी तो पोटैटो फ्राई सैंडविचेस के लिए सबसे पहले हमने पोटैटो को फ्राई करना है सॉल्ट डालकर। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने पोटैटो फ्राई करने रख दिए हैं। अब मैंने इसमें डाला है हरे मिर्च, लहसुन और अदरक चॉप कर। ये बनने जा रहे हैं सैंडविचेस देसी तड़के के साथ। जी हाँ, तो अब इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पिसी हुई 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये सब मैंने, ये देखें जी, सब पीस के रखा है। इसी मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी शामिल कर दिया है। इसको हमने बस चूल्हा बंद करने से थोड़ा सा पहले डालना है, और इसको डालते ही हमें फौरन चूल्हा बंद कर देना है कि मसाले हमारे जल ना जाएं। चलें जी, इसे हम लेकर आ गए हैं काउंटर पे, किचन काउंटर पे। अब इसमें हम डालने लगे हैं फ्राइज़। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। भाई ये है सहरी के लिए, क्योंकि सहरी में तो हमें चाहिए हमेशा अलग अलग चीज़ें। तो ये देखिए बन रहा है सहरी के लिए सैंडविच। इसे हम आप रोटी से भी खा सकते हैं और सैंडविच भी बना सकते हैं। मैंने इसे रोटी से भी खाया है और सैंडविच भी बना के दिखाऊँगी आपको। तो ये फ्राइज़ हो गई हैं अच्छी तरह से। ये मेरे बच्चों को बहुत बहुत पसंद है ये वाली फ्राइज़। उस पर मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया, क्योंकि बनने जा रहा है सैंडविच। तो व्यूवर्स, सैंडविच हो और केचप ना हो, और केचप भी है होममेड केचप। ये देखें जी, अब मैंने इसे डालना है स्लाइसेस में और बनाने हैं इसके सैंडविचेस। ये देखें, बच्चे ना खाएं, जिसके घर में मेरे बच्चे तो ये बहुत शौक से फ्राइज़ खाते हैं ये वाली, सारे मसालों की और फ्राइज़। ये देखें जी व्यूवर्स, ये बन गया सैंडविच। अब ये सैंडविच है और उसको हमने रोटी से भी खा सकते हैं। हाँ, मगर पराठों से थोड़ा हैवी हो जाएगा। स्लाइस से सैंडविच बना के खाइए, मज़ेदार से सैंडविच। अब ये दूसरी डिश बनने जा रही है। रमज़ानों में बहुत अवकात ऐसा होता है कि हम रात को कोई खाना बनाते हैं, फिर ये होता है कि सुबह में तो ज़ाया जाएगा, तो हमें ज़ाया नहीं करना। ये रात का बचा हुआ खाना है, हम सहरी में बनाएंगे। तो वेज, मेरे पास वेज रखी हुई है। मैंने एक अंडा लिया है, उसको बीच कर लिया है। वेज को मैं डालूँगी। आपके पास कोई भी रात का सालन हो सहरी में डाल खाने के लिए, तो उसका आप बनाइए रोल। सब खाएंगे शौक से इस रोल को। यूँ तो कोई खाएगा नहीं रात की बची हुई सब्ज़ी सहरी में, मगर जब इसका बनेगा रोल तो रोटियां भी आपकी सेव हो जाएंगी, वेस्ट होने से बच जाएंगी, और आपका जो सालन हो, चाहे वो चिकन का हो, कीमा हो, कुछ भी हो, मगर हाँ, मगर दाल ना हो, दाल का रोल नहीं बन सकता। साबुत दाल का फिर बन जाएगा। ये मैं, मेरे पास घर में बनी हुई वेज, और मैं सहरी करने लगी थी तो मैंने ये बनाया रोल। इसका जितना भी एक्सेस वाटर था सब हमने सोक करना है, ताकि बिल्कुल ये एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमारा रोल बिल्कुल अच्छा सा बन जाए। चले जी व्यूवर्स, ये तो होने लगा सब्ज़ी हमारी फ्राई। अब हम इस पे डालेंगे 1 अदद फेंटा हुआ अंडा। जी व्यूवर्स, ये देखें बनने जा रहा है रोल। तो अब इसके ऊपर रख लेंगे हम रोटी। जी हाँ, ये रोटी भी हमारी रात की बनी हुई है, तो हमने इसे बना दिया रोल। कौन सा रोल? एग वेज रोल। जो सब्ज़ी और रोटी कोई भी ना खाए, उसे हम बनाएं एग वेज रोल और सहरी में खिलाएं सबको। तो ये व्यूवर्स, आज हमारा ये स्पेशल सीरीज़ में बन रहा है रमज़ान स्पेशल सीरीज़ बिफोर रमज़ान पार्ट 11 में बन रहा है एग वेज रोल और पोटैटो फ्राइज सैंडविच। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगी। मुझे तो ये दोनों डिशें बहुत ही अच्छी लगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए। थोड़ा सा केचप डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसे रोल करूँगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।